स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी में। डेली करंट अफेयर्स वीडियोस के तहत आज हम 26 और 27 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें जो क्वेश्चन है। पहला उसमें दिया हुआ है कि किस देश में राष्ट्रपति के लिए फिर से चुनाव कराया जा रहा है। अभी रिसेंटली हुआ था, ठीक है। तो जो कंट्री है वो है केन्या। यहाँ के जो राष्ट्रपति थे केन्याटा, उन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए अगस्त में ही चुनाव जीत लिया था, लेकिन अनियमितता के चलते जो है चुनाव आयोग ने पुनः वहां पर चुनाव कराने की जो है घोषणा की है। अगला इसमें दिया है कि हाल ही में पाकिस्तान के नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पाकिस्तान के नौसेना प्रमुख के रूप में एडमिरल जफर महमूद अब्बासी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। एडमिरल जफर महमूद अब्बासी, ठीक है। अब्बासी ने बहुराष्ट्रीय संयुक्त टास्क फोर्स की भी कमान संभाली थी। अगला इसमें दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश शासन के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय लता मंगेशकर जो अलंकरण है, जो पुरस्कार है, उससे किसको सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है उषा खन्ना। अगला इसमें है कि वह देश जहां सोफिया नामक रोबोट, ठीक है, नाम जो नाम है रोबोट का वह है सोफिया। वह देश जहां सोफिया नामक रोबोट को आधिकारिक नागरिकता प्रदान की गई है, ठीक है, उसको सिटीजनशिप दी गई है, वह कंट्री है सऊदी अरब। अगला इसमें दिया हुआ कि 10वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर फेसिंग चैंपियनशिप का जो आयोजन स्थल था वो कहाँ पर था? तो वो था करनाल, हरियाणा में। इसमें अगला, हाल ही में किस राज्य में पॉलीविनाइल फ्लोराइड पर प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ में पॉलीविनाइल फ्लोराइड पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें प्लास्टिक जनित वस्तुओं के निर्माण, भंडारण, आयात, विक्रय, उपयोग और परिवहन पर प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। अगला जो दिया हुआ उसमें पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जिस अभिनेत्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया है उनका नाम पूछा है, तो उनका नाम है शर्मिला टैगोर। अगला है फोर्ब्स के ब्रांड वैल्यू रखने वाले प्लेयर्स की लिस्ट में जिस भारतीय को शामिल किया गया है उनका नाम, तो वो है विराट कोहली। अगला इसमें दिया हुआ कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश से आर्थिक प्रतिबंध हटाए हैं, ठीक है, आर्थिक प्रतिबंध जो हटाए हैं उस देश का नाम पूछा है। तो अमेरिका ने सूडान से आर्थिक प्रतिबंध हटाए हैं। अमेरिका ने सूडान पर से यह प्रतिबंध आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और मानवाधिकारों में सुधार को देखते हुए जो है हटाए हैं, ठीक है। तो सूडान पर से प्रतिबंध जो है अमेरिका के द्वारा हटाया गया है, ठीक है। अगला इसमें है कि हाल ही में किन देशों के मध्य पारिवारिक वीजा सेवाएं बंद कर दी गई हैं? अमेरिका और तुर्की के मध्य जो है वो पारस्परिक, सॉरी, ये पारस्परिक है, पारस्परिक वीजा सेवाएं बंद कर दी गई हैं। तो अमेरिका और तुर्की के मध्य जो पारस्परिक, जो म्यूचुअल जो वीजा सेवाएं थी वो बंद कर दी गई हैं। अगला इसमें है, अमेरिका में बने क्रिकेट मैदान को जिस भारतीय खिलाड़ी का नाम दिया गया है, ठीक है, तो उनका जो नाम है वो है सुनील गावस्कर, ठीक है। अगला इसमें है, पर्यटन मंत्रालय ने एक योजना के अंतर्गत 7 कंपनियों को 14 स्मारकों को गोद लेने हेतु आश्रय पत्र जारी किया है, ठीक है। तो उस योजना का नाम पूछा है, योजना का नाम है धरोहर गोद योजना, ठीक है। अगला इसमें दिया हो कि सऊदी अरब में जो कार्य वीजा की जो अवधि थी अब तक 2 वर्ष की थी, जिसको अब घटाकर जो है 1 वर्ष कर दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।